नमस्कार किसान भाइयों, मैं भानु प्रताप कृषि टेक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड गांधीनगर गुजरात से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर के इंजन में एयर क्लीनर फिल्टर में कौन सा ग्रेड का आयल और कितनी मात्रा में आयल डालना है इसके बारे में जानकारी देता हूँ। आइए देखते हैं। हम ये मेरा पूरा इंजन हो गया, इसके ऊपर हमारा एयर क्लीनर फिल्टर दिया हुआ है, इसको हम खोलते हैं। हमने एयर क्लीनर फिल्टर खोल लिया यहाँ पे। इसमें हमें ये देखना है कि कौन, अभी देखते हैं एयर क्लीनर फिल्टर में कौन सा ग्रेड का आयल डालना है। ये आपका दिया हुआ है SA10W30 ग्रेड का आयल यूज करना है, यही हमें इंजन में भी यूज करना है। मैं आयल डाल रहा हूँ वीकर में, इसमें आपको डालना है आयल 50 ml। मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये आपका 50 ml के ml हो गया। हमें आयल यहाँ पे डालता हूँ 50 ml। ये आपको चारों तरफ डालना है। ये हमने आयल डाल दिया यहाँ पे, और आपका ये स्पंजी दिया हुआ है, इसके ऊपर भी हमें आयल थोड़ा बहुत यूज करना है। ये आपका स्पंजी है, यहाँ पे हमें थोड़ा आयल यूज करना है। ये हमने आयल डाल दिया यहाँ पे। अभी हम एयर क्लीनर फिल्टर के बाउल को हम यहाँ पे फिट करते हैं। अब इसके ऊपर कवर फिट करेंगे। ये हमने कवर फिट कर दिया, इसके ऊपर का कैप लगा दिया। ये हमने इसका विंग नट टाइट कर दिया। ये आपका एयर क्लीनर फिल्टर कंप्लीट फिट हो गया। इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे एक लेवल दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये जो लेवल दिया है, एक ऊपर मार्किंग दिया है, एक नीचे दिया हुआ है, तो आपको हमेशा नीचे वाले मार्किंग के बराबर ही आयल भरना है, इससे ऊपर नहीं भरना।